गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट्स, आइए विश्लेषण करते हैं आज के द हिंदू की मुख्य सुर्खियों का। 37 सीआरपीएफ मेन किल्ड इन जम्मू एंड कश्मीर सुसाइड अटैक। जम्मू कश्मीर के एक आत्मघाती हमले में तकरीबन 37 सीआरपीएफ जवान मारे गए। गुरुवार को जम्मू और कश्मीर में पुलवामा जिले के लेथपोरा क्षेत्र में सीआरपीएफ जवान का एक काफिला जा रहा था, तब जैश ए मोहम्मद के एक आत्मघाती हमलावर ने अपनी विस्फोटक से लदी गाड़ी को उस काफिले की एक बस से जाके टकरा दिया, जिसकी वजह से 37 सीआरपीएफ जवान शहीद हो गए। ये हादसा अवंतीपुरा के पास श्रीनगर जम्मू हाईवे पे हुआ था। इस बॉम्बिंग की वजह से तकरीबन 8 जवान और गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं, और पिछले 3 दशकों में जम्मू एंड कश्मीर में ये सबसे घातक हमला था आतंकवादियों का। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सुप्रीम कोर्ट सेंड्स दिल्ली पावर टसल केस टू लार्जर बेंच। जस्टिस ए के सिकरी और अशोक भूषण की सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने गुरुवार को इस मुद्दे पे अलग अलग राय दी है कि क्या दिल्ली सरकार का प्रशासनिक सेवाओं पर कोई नियंत्रण है या नहीं, और इस सवाल को उन्होंने एक बड़ी बेंच को सौंपने का फैसला किया है। जबकि जस्टिस भूषण ने संविधान के 7वें शेड्यूल में स्टेट लिस्ट के 41वीं एंट्री का अवलोकन करते हुए ये कहा है कि दिल्ली सरकार का सेवाओं के ऊपर कोई अधिकार नहीं है, वहीं जस्टिस सिकरी जो कि बेंच के मुख्य न्यायाधीश है, चीफ लीड जज है, उन्होंने बीच का रास्ता अपनाया। दिल्ली सरकार और केंद्र के बीच में अधिकार के विभाजन को के मामले को लेते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर ने सुप्रीम कोर्ट के सामने ऐसे 6 विवादास्पद मुद्दे पेश किए हैं। ये मुद्दे हैं अपॉइंटमेंट ऑफ स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स और लॉ ऑफिसर। स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर और लॉ ऑफिसर्स को नियुक्त करने का अधिकार 2016 में हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार को दिया था। इससे पहले दोनों सरकारें, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, ऐसी नियुक्तियां करती थी। नेक्स्ट इज फिक्सिंग लैंड रेवेन्यू रेट। पहले ये अधिकार, लैंड रेवेन्यू की रेट फिक्स करने का अधिकार, लेफ्टिनेंट जनरल के पास था। 2015 में लेफ्टिनेंट जनरल नजीब जंग ने दिल्ली सरकार के पुनरीक्षित दरों के नोटिफिकेशन पर स्टे लगा दिया था। 2016 में हाई कोर्ट ने यह अधिकार केंद्र को दे दिया। इस निर्णय को दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। नेक्स्ट इज पावर टू अपॉइंट और डील विद इलेक्ट्रिसिटी कमीशन और बोर्ड। 2016 में दिल्ली सरकार ने कृष्णा साइनी को दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन का अध्यक्ष नियुक्त किया था, जिसे सितंबर 2016 में लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग ने रिजेक्ट कर दिया था, क्योंकि ये नियुक्ति उनकी मंजूरी, उनके अनुमोदन के बगैर किया गया था। नेक्स्ट इज दिल्ली एंटी करप्शन ब्रांच के नॉट प्रोब सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। पहले एसीबी के ऊपर दिल्ली सरकार का नियंत्रण था, लेकिन उस पर अधिकार लेफ्टिनेंट गवर्नर का रहता था। दिल्ली के काउंसिल ने यह कहा है कि 2014 तक ये अधिकार दिल्ली सरकार के पास था, लेकिन जब एनडीए सरकार आई और उसने नोटिफिकेशन निकाला 2014 में, तब उनसे ये अधिकार भी ले लिया गया। दिल्ली सरकार ने इस नोटिफिकेशन को हाई कोर्ट में चुनौती दी, लेकिन इसका निर्णय केंद्र के पक्ष में किया गया। नेक्स्ट इज सेंटर हैज द पावर टू अपॉइंट इंक्वायरी कमीशन। इंक्वायरी कमीशन नियुक्त करने का अधिकार केंद्र के पास है। ये अधिकार केंद्र को फैसले से पहले ही दे दिया गया था। नेक्स्ट इज इश्यू रेफर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट टू अ लार्जर बेंच। सेवाओं के मामलों के ऊपर नियंत्रण, जिसमें अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग भी शामिल है, ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट की एक बड़ी बेंच को रेफर किया गया है। बढ़ते अगली खबर की तरफ। वेस्टेड एफर्ट, हाफ ऑफ इंडियाज वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स डिफंक्ट। भारत के तकरीबन आधे वेस्ट टू एनर्जी संयंत्र WTE प्लांट्स, जो कि गैर बायोडिग्रेडेबल कचरे को
परिवर्तित करने के काम में आते हैं, निर्जीव पड़े हैं। इतना ही नहीं, देश के कचरे को अलग-अलग करने की असमर्थता के कारण जो संयंत्र चल रहे हैं वो भी अपनी क्षमता के नीचे काम कर रहे हैं। सन 1987 से तकरीबन 15 ऐसे वेस्ट टू एनर्जी संयंत्र देश भर में लगाए गए थे। हालांकि इनमें से 7 संयंत्र अब बंद हो चुके हैं। भारत 1.43 लाख टन कचरा प्रतिदिन उत्पन्न करता है, जिसमें से 15% यानी कि 21,370 टन प्रतिदिन कचरा नॉन बायोडिग्रेडेबल, नॉन रिसाइकलेबल और हाई कैलोरीफिक वैल्यू वाला कचरा होता है। 48 एग्जिस्टिंग अंडर कंस्ट्रक्शन और प्रस्तावित संयंत्रों की कुल अपशिष्ट उपचार क्षमता, टोटल वेस्ट ट्रीटमेंट कैपेसिटी है 37,000 टन पर डे। वेस्ट टू एनर्जी प्लांट के लिए न्यूनतम दहनशील अपशिष्ट फीड की आवश्यकता, रिक्वायरमेंट फॉर मिनिमम कंबस्टिबल वेस्ट फीड है 1 लाख टन पर ईयर या फिर 300 टन पर डे। अगली खबर है, गॉड्स ओन कंट्री गेट्स बैक विजिटर्स आफ्टर डिल्यूज ऑफ इश्यूज। 2018 में केरल में नीपा वायरस के प्रकोप, अगस्त के विनाशकारी प्रलय और साबरीमाला विवाद के ऊपर कई हड़तालों की वजह से यात्रा पर कई पाबंद प्रतिबंध लागू किए गए थे केरल में, जिसकी वजह से केरल का टूरिज्म पूरी तरह से प्रभावित हुआ। केरल में पर्यटकों का आगमन सिर्फ 9.35 लाख ही रहा। अगर हम 2017 के आंकड़े देखें तो 2017 में ये फुटफॉल, जबकि पर्यटकों की संख्या थी 157.77 लाख, पिछले साल से 10.94% बढ़त मिली थी 2017 साल। और ये अगर हम 2018 के आंकड़े देखें तो पर्यटकों की संख्या थी 167 लाख, जबकि सिर्फ 5.93% बढ़त मिली पिछले साल से। प्रत्याशित दर तो थी, ये माना जा रहा था कि 12 से 15% बढ़ोतरी होगी, लेकिन बढ़ोतरी हुई सिर्फ 5.93% की। आते हैं हम पेज 10 पे, जहां हमारी अगली खबर है, कैग रिपोर्ट मेक्स नो सेंस सेज चिदंबरम। कांग्रेस के नेता पी चिदंबरम ने ये कहा है कि राफेल लड़ाकू विमान डील पर कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है कि उसमें क्या कहा गया है, पर इसलिए महत्वपूर्ण है कि उसमें क्या नहीं कहा गया है। उन्होंने रिपोर्टर से ये कहा कि इस रिपोर्ट में कोई भी जरूरी जानकारी या निष्कर्ष नहीं है और इस रिपोर्ट का इरादा सिर्फ और सिर्फ सच को छुपाना है। राफेल डील के वो 5 मुद्दे जिसके ऊपर मतभेद है वो है बेंचमार्क कीमत, ओवरऑल कीमत, इंडिया स्पेसिफिक एनहांसमेंट्स यानी भारत विशिष्ट संवर्धन, बैंक गारंटी और डिलीवरी शेड्यूल। तो इन 5 मुद्दों पे खास मतभेद है राफेल डील में। नेक्स्ट इज हाउस पासेस रेजोल्यूशन टू एंड यूएस सपोर्ट फॉर यमन वॉर। बुधवार को यूएस के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने यमन में सऊदी के नेतृत्व में हो रही युद्ध को, यूएस का समर्थन खत्म करने का एक रेजोल्यूशन, एक प्रस्ताव पास कर दिया है। ये रेजोल्यूशन कैलिफोर्निया के रिप्रेजेंटेटिव रो खन्ना, जो कि एक इंडियन अमेरिकन है, इनके द्वारा पेश किया गया था, जिसे 18 रिपब्लिकन और 230 डेमोक्रेट्स ने समर्थन दिया। इसी के साथ हमारा आज का विश्लेषण यही समाप्त होता है। द हिंदू के रोज के करंट अफेयर्स हिंदी में देखने के लिए हमारे चैनल ए एशा यंग आईएस को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, बेल का बटन दबाना ना भूलें।